हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम इसके मैंने बहुत ही कम वीडियोस कराए हैं इसीलिए मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक को कवर करूंगा जिसमें कि मैं आपसे टॉप ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिविट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ अ प्लेट दैट इज कॉल्ड मार्जिन पिच बैक पिच या डायगोनल पिच तो देखिए डिस्टेंस किसके बीच में बोल रहा है तो सेंटर ऑफ अ रिविट होल या इसमें एक भी एक होल पकड़ लीजिए इसका सेंटर ले लीजिए टू द नियरेस्ट एज ऑफ अ प्लेट इसके नियर में कौन सा प्लेट है तो एज प्लेट ये है तो इसके बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा नियरेस्ट एज ऑफ अ प्लेट और आपका रिवर्ट होल का सेंटर तो ये कहलाएगा आपका मार्जिन तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए वीडियो थोड़ा टफ होगा तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि लोकेलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ अ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू मेंबर्स इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस क्रशिंग स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस तो देखिए ऐसा लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस जब कभी भी लगता है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट में बिटवीन टू मेंबर तो दैट इज़ कॉल्ड क्रशिंग स्ट्रेस तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री है कि इन अ टेंसाइल टेस्ट व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट द टेंसाइल स्ट्रेन एज कंपेयर टू द स्ट्रेस डिक्रीज स्लोली इंक्रीज स्लोली डिक्रीज मोर क्विकली या इंक्रीज मोर क्विकली तो देखिए कि टेंसाइल टेस्ट कब बोल रहा है व्हेन मटेरियल इज स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट के बाद में टेंसाइल स्ट्रेन कैसा लगता है तो अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन के डायग्राम को देखेंगे तो इलास्टिक लिमिट कहाँ तक है तो यहाँ तक आपका इलास्टिक लिमिट है इसके बाद में जो है वो इलास्टिक लिमिट के बाद में क्या हो रहा है ये सडनली इंक्रीज़ मोर क्विकली यहाँ से जो है ज़्यादा तेजी के साथ में जो जो स्ट्रेस है 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 वो क्रिएट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर सेक्शन बेंडिंग इफ इट इज सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट बेंडिंग मूवमेंट एंड कॉन्स्टेंट शेयर फोर्स कॉन्स्टेंट शेयर फोर्स एंड जीरो बेंडिंग मूवमेंट कॉन्स्टेंट बेंडिंग मूवमेंट एंड जीरो सेक्शन ऑफ बीम इज सेट टू बी प्योर बेंडिंग देखिए प्योर बेंडिंग कैसा होता है कोई बीम का तो मान लीजिए यह आ क्या है तो ये आपका कोई बीम है ये क्या है अभी तो प्योर प्योर बेंडिंग में है तो इस वजह से इस केस में क्या होगा तो यहाँ पे जो आपका बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा और शेयर फोर्स जीरो रहेगा शेयर फोर्स जीरो, जीरो क्यों रहेगा क्योंकि शेयर फोर्स अगर वेरी होगा तो ये बैंड नहीं हो पा जो प्योर बेंडिंग नहीं होगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्यों कॉन्स्टेंट बेंडिंग मूवमेंट एंड जीरो शेयर फोर्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है कि द प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडुलस एंड मूवेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज प्रोडक्ट मतलब इन टू तो मॉडुलस ऑफ़ रिजिडिटी बल्क मॉडुलस फ्लैक्सुरल रिजिडिटी या टॉर्शनल रिजिडिटी तो देखिए बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडुलस एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज कॉल्ड फ्लैक्सुरल रिजिडिटी तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि द रिलेशन बिटवीन द इक्विवेलेंट लेंथ एंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ कॉलम फॉर बोथ एंड फिक्स देखिए इक्विवेलेंट लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ से रिलेटेड जो है आपका एग्जाम में चार तरह का क्वेश्चन आता है क्या आता है बोथ एंड फिक्स बोथ एंड हिंज वन एंड फिक्स वन एंड फ्री वन एंड फिक्स एंड वन एंड हिंज तो यहाँ पे देखिए चारों का आंसर दिया हुआ है हम चारों को एक एक करके समझेंगे यहाँ पर इक्वल टू एल बाई अंडर रूट टू है ऑप्शन नंबर सेकंड में तो सबसे पहले देखते हैं इक्वल टू एल बाई टू किसका है तो ये है हमारा बोथ एंड फिक्स का मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया और एल इज टू एल वाई अंडर वोट टू जो है वो किसका है तो ये है आपका वन एंड फिक्स एंड वन एंड हिंज का उसके बाद में एल इज्कल टू एल किसका है तो ये है आपका वन एंड सॉरी बोथ एंड हिंज का उसके बाद में जो एल इज्कल टू टू एल है ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी रहती है तो ये रहती है वन एंड फिक्स एंड वन एंड फ्री के केस के में तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा वन एंड फिक्स वन एंड फ्री के लिए क्वेश्चन नंबर सेवन है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप इन अ रेक्टेंगुलर बीम एंड अ सर्कुलर बीम ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया इज यानी कि आपको रेशियो बताना है रेशियो मतलब डिवीजन करेंगे किसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन रेक्टेंगुलर बीम है ना सर्कुलर बीम का तो कितना रहेगा वो टू बाई थ्री रहेगा थ्री बाई फोर रहेगा वन रहेगा या नाइन बाई एट रहेगा तो ये रहेगा आपका नाइन बाई एट तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर एट है कि ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड आर डिजाइन फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ या बेंडिंग स्ट्रेंथ तो देखिए बेसिकली आपका जो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड होता है वो किसके लिए डिजाइन होता है तो ये आपका जो वेल्डिंग है ये कौन सा ज्वाइंट है तो ये आपका ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड एंड ज्वाइंट है तो ये डिज़ाइन होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन में चलते हैं कि बीम ऑफ ट्रेंगुलर सेक्शन इज प्लेस्ड विथ इट्स बेस हॉरिजेंटल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ क्योर सैट अपेक्स ऑफ द ट्रेंगल मिड ऑफ द हाइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रेंगल या नन ऑफ दिस देखिए बेसिकली आपका क्या बोल रहा है कि ट्रेंगुलर सेक्शन का कोई बीम है मान लीजिए आपके पास में कोई बीम है जो जिसका शेप क्या है तो इसका शेप आपका ट्रायंगुलर रहेगा तो ट्रायंगुलर शेप में उसका बेस हॉर्जेंटल है तो बेस आपका हॉर्जेंटल है तो उस केस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पे होगा तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपका रहेगा यहाँ पे मतलब बीच में तो मिड ऑफ द हाइट तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर टेन में चलते हैं कि द तो कॉलम सिलेंडरनेस रेशियो इज लेस देन एट्टी यानी कि ऐसा कॉलम जिसका सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो लेस देन एट्टी है तो उसको क्या बोलेंगे तो वो होगा आपका शॉर्ट कॉलम और वही कॉलम जिसका सिलेंडरनेस रेशियो अगर मोर देन एटी है तो वो रहेगा आपका लॉन्ग कॉलम तो शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम का बेसिक डेफिनेशन यही है जो कि आपका सिलेंडरनेस रेशियो से निकलता है तो वो आपको याद रखना है विद इन इलास्टिक लिमिट शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू तो शेयर स्ट्रेन लेस देन शेयर स्ट्रेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन तो विद इन इलास्टिक लिमिट में क्या होता है तो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेंथ तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में चलते हैं कि मॉड्यूलर रेशियो ऑफ़ द टू मटेरियल इज़ द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन या दे आर मॉडुलर्स ऑफ इलास्टिसिटी या दे आर मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी तो देखिए बेसिकली आपका जो मॉड्यूलर रेशियो है वो क्या है तो मॉड्यूलर रेशियो जो है आपका दो मटेरियल का वो रेशियो होता है जो कि उसका होता है दे आर मॉडुलर्स ऑफ इलास्टिसिटी तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टी में चलते हैं कि द बेंडिंग मूवमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शेयर फोर्स इज मिनिमम मैक्सिमम चेंजिंग साइन या जीरो तो देखिए बेसिकली आपको बेंडिंग मूवमेंट बताना है किसी भी सेक्शन में जहाँ पे शेयर फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा तो देखिए ये आपका शेयर फोर्स का डायग्राम है और ये आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है तो शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे है तो यहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम है और यहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम है तो इन दोनों ही केसेस में बेंडिंग मोमेंट का यहाँ पर देखिए ज़ीरो है ये भी आपका ज़ीरो है मतलब आपका ज़ीरो करेक्ट आंसर होगा पर यहाँ पर ये जीरो करेक्ट आंसर इस केस में रहेगा जब वो वहाँ पे वैल्यू पूछा रहेगा पर यहाँ पे वैल्यू नहीं बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द बेंडिंग मूवमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा तो ये जीरो तो कहाँ पे रहेगा जीरो आपका उसके एंड में रहेगा पर मैक्सिमम जैसे कि यहाँ पे, पे है ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है मैक्सिमम कब आ रहा है जब आपका शेयर फोर्स जो है वो साइन चेंज कर रहा है मतलब ये आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो चेंजिंग साइन इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोरटीन है कि द टेंसाइल टेस्ट इज कैरीड ऑन डक्टाइल मटेरियल ब्रिटिल मटेरियल मेलेबल मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल तो किसी भी जो आपका मटेरियल होता है उसमें टेंसाइल टेस्ट किसमें करते हैं तो हम डक्टाइल मटेरियल में करते हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में चलते हैं देखिए उससे पहले ये टेंसाइल टेस्ट का स्पेसिफिन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस टू ब्रेकिंग स्ट्रेस तो देखिए बेसिकली आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस तो आपका ए करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में चलते हैं कि इन कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड ज्वाइंट इन टीयरिंग शेयरिंग एंड क्रशिंग द एक्चुअल डायमीटर ऑफ अ रिवेट इज यूज्ड एक्चुअल डायमीटर ऑफ होल ड्रिल फॉर रिविट इज यूज मीन डायमीटर ऑफ होल ड्रिल एंड रिविट इज यूज या स्मॉलर ऑफ द रिविट डायमीटर एंड होल डायमीटर इज यूज तो कैलकुलेट जब करते हैं किसी भी रिविटेड जॉइंट का स्ट्रेंथ है तो उसमें टीयरिंग शेयरिंग क्रशिंग के केस में क्या रहता है तो एक्चुअल डायमीटर ऑफ होल ड्रिल फॉर रिविट इज़ यूज तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में चलते हैं कि द सेक्शन मॉडुलस जेड जो है ऑफ अ बीम इज गिवन बाई आई बाई वाई आई इन टू वाई वाई बाई आई या एम आई आई तो देखिए बेसिकली सेक्शन मॉडल जो है आपको आंख बंद करके क्या मारना है आई बाई वाई तो आई क्या रहता है आपका ये मोमेंट ऑफ एनर्जी है और वाई जो है आपका कॉन्स्टेंट है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर एटीन में चलते हैं कि वेन अ रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज डेवलप्ड ऑन द टॉप लेयर बॉटम लेयर न्यूट्रल एक्सिस या एवरी क्रॉस सेक्शन तो देखिये वेन रेक्टेंगुलर सेक्शन इज लोडेड ट्रांसवर्सली तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो कहाँ पे जनरेट होगा तो वो होगा आपका टॉप लेयर में तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में चलते हैं कि इन स्प्रिंग बैलेंसेज द स्प्रिंग इज यूज टू अप्लाई फोर्स टू मेजर फोर्स टू एब्जॉर्व शॉक या टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली जो एब्जॉर्व शॉक के लिए कौन सा स्प्रिंग यूज़ करते हैं तो आप, शॉक एब्जॉर्व करने के लिए हम लीफ स्प्रिंग को यूज़ करते हैं और यहाँ पे बैलेंस में बोल रहा है तो बैलेंस में हम मेजर करते हैं फोर्स को मेजर करते हैं तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि द स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ मटेरियल विदाउट एनी परमानेंट सेट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट ईल्ड इल स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेस तो चार ऑप्शन है राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए